2023 का पहला ट्रैक्टर का वीडियो आज हम करने वाले हैं दोस्तों। पिछले एक डेढ़ साल से हमने कोई ट्रैक्टर का वीडियो नहीं किया था, क्योंकि कुछ खास हमें हटके स्पेशल नहीं लग रहा था, वही चीज़ें लग रहा था। लेकिन आज बहुत ही खास हटके आपके सामने ये रहा मेस्सी फर्ग्यूसन 80-55। ये मॉडल दोस्तों, ये जो है पावर का बॉस, कंफर्ट का बॉस, स्टाइल का बॉस, और सबसे खास बात दोस्तों हॉलेज का बॉस। तो आज हम हैं बॉस मोड में ऑन, तो बहुत मजा आने वाला है। इसमें जो है बहुत अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी है वो हम देखने वाले हैं। सबसे खास बात, अभी तो मैं गन्ने के अंदर से सिंपल ट्रैक्टर लेके आया, ये हमने लाइव देखा, लेकिन सबसे खतरनाक लाइव हम देखने वाले, पीछे दो दो ट्रॉली गन्ने की भर के हम खींचने वाले और ये लाइव एक्सपीरियंस लेने वाले, पूरा का पूरा हम अनुभव लेने वाले इस ट्रैक्टर के साथ। तो ए टू जेड जानकारी लेंगे दोस्तों, तो आज का वीडियो पूरा अंत तक आपको देखना है, बहुत मजा आने वाला है। तो ट्रैक्टर जब लेते हैं तो हमारे किसान भाई के लिए सबसे अहम पॉइंट क्या होता है, जो हमारे मॉडर्न फार्मर है, यंग फार्मर जो किसान मतलब किसानी कर रहे जैसे मैं हूं और बहुत सारे, उनको लगता है लुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे लुक के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पे कलर, तीन कलर है यहां पे, रेड, ब्लैक और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे नाम मेस्सी फर्ग्यूसन 80-55 यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको ये 80-55 क्या दिख रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, कमेंट करके बताइए आपको ये डिज़ाइन क्या समझ में आ रहा है, ये ज़रूर बताइएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे अगर की जाए तो इस बोनेट की, तो ये एरोडायनामिक शेप है, ये देखें कैसे, यूजुअली जो है आपको कार में आप देखते हैं, लेकिन मेस्सी फर्ग्यूसन ने यहाँ पे आपको ट्रैक्टर में दिया है, तो है ना कमाल की चीज़। अब इसके आगे से अगर देखा जाए तो ये देखिए, आगे यहाँ पे ग्रिल दिया है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे होल्स है, इसमें से हवा अंदर जाती है, इंजन को ठंडा रखने में मदद होती है। साइड में भी है, एक इधर भी है और एक इधर भी, दोनों साइड में ग्रिल है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मेस्सी फर्ग्यूसन का ये बैजिंग किया गया है, और सबसे खूबसूरत इस ट्रैक्टर की जो चीज़ है वो प्रोजेक्टर हेडलाइट और ट्राई LED, ये आपको फील देती है कार का। अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हो तो आपको कार का फील आएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट, शाइन और बहुत ही खूबसूरत दिखती है यहाँ पे, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कि लॉक होता है, खींचना होता है, लेकिन यहाँ पे वन टच ओपन होता है बोनेट, ये देखिए कितना सिंपल है, कितना इजीली यहाँ पे ये ओपन हो गया, तो ये लुक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद यहाँ पे लिखा है नीचे मैग्ना ट्रैक, तो ये मैग्ना ट्रैक क्या है कि वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा, क्योंकि यही मैंने, तो मैग्ना ट्रैक तो एक सीरीज है, मैग्ना ट्रैक का मीनिंग जो वो बहुत बड़ा है, तो अंत तक रुके रहिएगा, वीडियो को मत छोड़िएगा। इसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट को भी बाहर से जो है लुक भी दिया गया है, और ये सेफ्टी के लिए भी है। तो भाई ये तो अभी मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ, लेकिन इस ट्रैक्टर का इंजन, पावर, गियर, फ्यूल इफिशंसी, सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो आपको जो है बहुत मजा आने वाला है। कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो को मत छोड़िएगा। मेस्सी फर्ग्यूसन लाया आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा वैसे हमने यहाँ पे कर दिया है। ये देखिए हमारे पीछे दो ट्रॉली यहाँ पे गन्ने की पूरी भर दी, और भर जाने के बाद ये हॉलेज का जो बॉस है कैसे वर्क करता है वो हम देखने वाले हैं, जबरदस्त ढुलाई कैसे करता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ यहाँ पे महादेव सर है, नमस्कार सर। नमस्कार जी। और जरूरी चीज ये है कि इस ट्रैक्टर का इंजन जो है वो मैग्ना टॉर्क इंजन है, इसमें तीन सिलेंडर है, 3300 cc का इसका इंजन है, और सबसे जरूरी जो है 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और वो हम टेस्ट करने वाले यहाँ पे, बहुत बड़ी चढ़ान है, उस चढ़ान पे जो है कैसे चलता है, और उसके बाद जो चीज होने वाली है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ढलान पे भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है 8 फॉरवर्ड गियर है, 2 रिवर्स गियर है, यहाँ पे जो बंदा बैठता है उसके लिए भी काफी कंफर्ट, ये सीट आगे पीछे कर सकते हैं आप, और यहाँ पे एक साइड में इधर, एक साइड में इधर बंदा बैठ सकता है, काफी कंफर्टेबल है। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट और चलते हैं, देखते हैं, लाइव डेमो लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इतने चढ़ान पे चढ़ेंगे तो हमने मौसम नहीं बनाया, तो भी चलेगा क्या ये? वो भी चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे 50 cc में ट्रैक्टर से, लेकिन 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क और किसी ट्रैक्टर में नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक अपने आप में बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्टर है, बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे जो है यहाँ पे अभी ट्रॉली भर के ट्रैक्टर को हम खींचे जा रहे हैं, और कितने मौसम से ये जा रहा है देख सकते हैं, ये देखिए। अगर दोस्तों इस टायर की बात करें तो पीछे का टायर बोला ना 28 का, और आगे का टायर
750। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो 430 सेंटीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है और इसमें व्हील बेस तगड़ा है। व्हील बेस होने के वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी। और अभी देखिए हम चढ़ान पे आ चुके हैं, उठ नहीं रहा ट्रैक्टर। ये नहीं नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, थोड़ा भी नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। तो इसे बोलते हैं इंडियन फार्मर का लाइव डेमो और मैसी फर्ग्यूसन ने यहाँ पे कर दिखाया। इतने चढ़ान पे भी थोड़ा भी नहीं उठ रहा है। देखिए ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। अगर हम दूर से भी आते तो एक मौसम में आ सकते, मौसम में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने एक मौसम में चलाया है, एक मौसम में चलाया है। और इसमें पावर स्टेयरिंग है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वो मतलब इसीलिए आगे देखो चढ़ा हमने ट्रैक्टर, हाँ चढ़ा दिया ट्रैक्टर, थोड़ा भी नहीं उठा यहाँ पे। यही है कमला मैग्नेट और इंजन, मैग्नेट और इंजन। ये 200 मीटर का काम है, ये 200 न्यूटन मीटर का काम है। राइट, अब यहाँ पे चढ़ा के रोक दीजिए साइड, रोक दीजिए आप। तो दोस्तों अभी हमने भरे हुए ट्रैक्टर को पूरा का पूरा ढलान पे लाके खड़ा कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जब चढ़ान पे तो हो गया देख लिया हमने, लेकिन ढलान पे आता है तो हमारे फार्मर्स क्या है कि ट्रैक्टर छोड़ के भाग जाते हैं या इधर उधर स्कीट करने लगता है, ट्रैक्टर हिल जाता है, फिसलने लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे जो है मैसी फर्ग्यूसन ने ब्रेक में बहुत ज़्यादा तगड़ा एक सिस्टम दिया है। जो ब्रेक्स जो है वो ड्यूराकूल ब्रेक है और स्लोप असिस्ट सिस्टम है इसमें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी उसका लाइव हम यहाँ पे डेमो लेंगे कि ब्रेक कैसे काम करते हैं, जो कि आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो है और कोई ट्रैक्टर में ये देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, बस मैसी फर्ग्यूसन के ये 80-55 में देखने को मिलेगा। तो सर स्टार्ट कर दीजिए, कैसे चलता है देखते हैं। चलो ठीक है, कैसे काम करता है हमें महादेव सर बताने वाले हैं। अभी ये देखिए ड्यूराकूल ब्रेक, चलो हाँ अभी हमने स्टार्ट किया, ढलान पे आ गए हमने, पहले ब्रेक को लगाया। हाँ ठीक है, हाँ। ब्रेक लगाने के बाद रुकता, थोड़ा थोड़ा ट्रैक्टर धीमा हो जाएगा, ठीक है, और आपको और कम करना है। हाँ। तो हमारा ड्रॉबर जो लीवर है ना, हाँ। डीसी लीवर, हाँ। तो उसको हम ऐसे ड्रॉबर को लगाएंगे तो स्लोप असिस्ट सिस्टम चालू हो चालू होगा। यानी कि जब ये ड्यूराकूल ब्रेक है, हाँ ठीक है, जो स्लोप असिस्ट सिस्टम चालू हो जाता है तो डिस्क के ऊपर तेल का छिड़काव करता है और उसकी वजह से ब्रेक अच्छा लगता है और ब्रेक की लाइफ भी बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाता है ब्रेक सिस्टम। और ये इंजन को भी दबाता है। अच्छा, इंजन को भी दबाता है, इंजन को भी दबाता है। अभी ये स्लोप असिस्ट सिस्टम जो है एक्टिव है, हाँ एक्टिव है वो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्लोप असिस्ट सिस्टम वर्क कर रही है। वाकई में ट्रैक्टर थोड़ा भी स्पीड नहीं कर रहा है, नहीं, नहीं, फिसल नहीं रहा है। तो अभी ब्रेक भी दबाएंगा, हाँ। तो रुकेगा ट्रैक्टर। अच्छा रुक रहा है, रुक रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों रुक रहा है ट्रैक्टर। तो इस तरीके से ये काम करता है ये जो स्लोप असिस्ट सिस्टम। तो वाकई में दोस्तों अभी हमने ड्यूराकूल ब्रेक क्या होता है जो एक अलग ही यहाँ पे बनाया गया है मैसी फर्ग्यूसन ने, वो हमने देखा। तो अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें और भी है वो हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे लाइव टेस्टिंग यहाँ पे हो गए। हमने देखा यहाँ पे ट्रैक्टर को गन्ने के साथ ढुलाई करके आप बहुत सारी चीज़ों की इसके साथ ढुलाई कर सकते हैं। ब्रेक कैसे वर्क करता है वो भी हमने देखा, लेकिन कुछ पीछे की चीज़ें रह गई वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फ्लैट टाइप हाउसिंग दिया है, यानी कि जहाँ पे ट्रॉली वगैरह कनेक्ट करते हैं। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है 1800 kg है और इसके बाद इसका PTO जो है वो लाइव PTO और रिवर्स PTO। रिवर्स PTO यानी दोस्तों क्या, एक जब आप रोटर चलाते हैं तो खरपतवार वगैरह रोटर में फंस जाती है तो रिवर्स चला के आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लास डिफ्लेक्टर, यानी कि जब आपका इंजन हीट हो जाता है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पैर को ये गर्म नहीं लगेगा, तो इसका फ़ायदा यहाँ पे ये है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये पार्किंग का लीवर है, ये PTO आपका लीवर है, ये साइड शिफ्टिंग गियर सिस्टम यहाँ पे है। उसके साथ साथ यहाँ पे DC और PC दोनों साइड में यहाँ पे लीवर दिए गए हैं और ये ड्यूअल क्लच है। तो इसमें आपको अलग क्या मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो पावर, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है आपको, जो कि ढुलाई के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ आपको सेफ्टी मिलती है, यानी कि ड्यूराकूल ब्रेक है। तीसरी चीज़ आपको स्टाइलिश लुक मिलता है और आखिरी चीज़ जो चौथी है वो है कम्फर्ट, आपको बहुत अच्छा मिलता है, जो अन्य ट्रैक्टर्स में नहीं मिलता वो यहाँ पर आपको मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोली थी, मैग्नेट ट्रैक, तो इसीलिए इसको मैग्नेट ट्रैक बोला जाता है। मैसी फर्ग्यूसन 80-55 मैग्नेट ट्रैक, ये इसका मॉडल नंबर है। तो अगर अभी आपको समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए दोस्तों आपको ये ट्रैक्टर कैसे लगा। और सबसे महत्वपूर्ण किसान भाइयों को क्या होता है कि इसकी सर्विस कैसे मिलेगी, क्या कैसे होगा, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन, ये तो हमने हॉलेज में आपको दिखाया कि हेवी हॉलेज करा, लेकिन इसके अलावा आप जो हैं रोटर, प्लाव, बेलर, ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेंटेनेंस के लिए आपको टाफे मैसी फर्ग्यूसन जो है एक विश्वसनीय ब्रांड है भारत का, तो आपको होल ओवर इंडिया में इसकी सर्विस मिल जाएंगी, जेन्युइन पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको
मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा और फ्यूल इफिशियंसी भी इस ट्रैक्टर की बहुत अच्छी है। मैं एक टोल फ्री नंबर डाल दे रहा हूँ, वेबसाइट डाल दे रहा हूँ मैसी फर्ग्यूसन की डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाइए देखिएगा, आपको कैसा लगता है वो जरूर बताइएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि 2023 का हमारा पहला ट्रैक्टर का वीडियो था तो बहुत शेयर होना चाहिए, ढेर सारा शेयर होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।